एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हाँ जी, जो जीएसटी के लिए फेक ड्राइव चल रही है, फेक ड्राइव के अगेंस्ट जो कार्रवाई चल रही है, उसकी पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। सर, आजकल आपकी वीडियो बहुत कम आ रही है। भैया, आप सब लोगों को पता है मैं अभी सीए के इलेक्शन में बिजी हूँ, इस वजह से समय कम निकाल पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो कम आ रही है। चलिए हम बात करते हैं जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आए थे। अब इस बात को समझना, जो ये इंस्ट्रक्शन आए थे आपने इन्हें पढ़ लिए होंगे। अगर ये इंस्ट्रक्शन आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप इसकी कॉपी हमारी टीम से ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। सर, ये इंस्ट्रक्शन आए थे 12 अगस्त को आए थे, और ये जो हमारी स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन है, ये कब से स्टार्ट हो गई थी? ये स्टार्ट हो गई थी जी आपकी 16 अगस्त से। कब से स्टार्ट हो गई थी? 16 अगस्त से। पहले ना इसका पर्पस समझो, इसे लेकर बहुत लोग डरे हुए हैं। तो भैया, इसे लेकर डरना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जब आप इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो इसके इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि पिछले साल भी हमने इस तरह की फेक ड्राइव चलाई थी और वहाँ से हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे, तो गवर्नमेंट इसे इस बार भी चला रही है। सर, इसका पर्पज़ क्या होता है फेक ड्राइव को चलाने का? इस बात को आपको समझना होगा कि जीएसटी के अंदर बहुत सारे लोग बोकस बिलिंग का काम करते हैं, बहुत सारे लोग फेक बिलिंग का काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए इस तरह की ड्राइव चलाई जाती है। तो सर, इनके पास ये डेटा कहाँ से आता है? तो पहले इस चीज़ को समझो कि जो ड्राइव जब ये चलाई जाएगी, इनके पास डेटा आएगा इनके सिस्टम से। सर, सिस्टम कहाँ से निकालेगा? इनका अपना सॉफ्टवेयर है, अपने सॉफ्टवेयर से हाईली रिस्की जो जीएसटीएन होंगे उनका डेटा आएगा। तो क्या सर, जीएसटी ऑफिसर हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क जीएसटीएन हो तभी आपकी विजिट के लिए आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और ये कब से कब तक आएंगे? 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास एक डेटा निकलेगा, किसका? सस्पिशियस का, हाई रिस्क जीएसटीएन का, उन लोगों के यहाँ पर जाकर ये फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अब वो बात अलग है कि भैया ये रामलाल के पास जा रहे थे, इनके पास डेटा था रामलाल पे, ठीक है ना, रामलाल का डेटा था कि इसके यहाँ पर जाकर चेक करना है, इसमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। अब रामलाल के यहाँ जाते जाते एक श्यामलाल मिल गया तो उसके यहाँ भी चले गए। अदरवाइज इनके पास जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पर ही ये जाएंगे। सर, वहाँ पर जाकर ये चेक क्या करेंगे? वहाँ पर जाकर ये सिंपल ये चेक करते हैं कि भैया जो व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन लिया है क्या वो एग्जिस्टेंट है या नहीं। अगर वो रजिस्ट्रेशन जो लिया गया है वो सही एड्रेस पे लिया गया है, वहाँ पर बिजनेस चल रहा है, सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर इन्होंने एड्रेस मिला इन्हें और वो उस एड्रेस पे गए, वहाँ पर जाकर देखा कि वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, तो ये कह देंगे कि भाई यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है और ये फेक रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इस बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। तो सर, क्या ये जेन्युइन व्यक्ति का भी कर सकते हैं? अब यहाँ पर इस बात को समझो, अब ये 2 महीने का समय है इनका, ठीक है ना। अब इस 2 महीने के अंदर हो सकता है आपके जीएसटीएन में कुछ गड़बड़ थी, ठीक है ना, कुछ रिस्की लग रहा था, अब ये आपके यहाँ पर चले गए, लेकिन आप जेन्युइनली छुट्टियों पर गए हुए, ठीक है ना, आप छुट्टियों पर गए हैं, बिजनेस प्लेस बंद है, अड़ोसी पड़ोसी आपको जानता नहीं है, तो ये जब इंक्वायरी के लिए जाएंगे तो इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। तो हो सकता है, 1% चांस ऐसा है, हो सकता है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। सर, क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? अब इन्हें ये डाउट हो गया कि भाई ये जो जीएसटीएन की इंफॉर्मेशन थी, इसने 20 करोड़ की बिलिंग कर रखी है, 20 करोड़ की बिलिंग करके ITC पास ऑन कर रखा है अपने रिसीवर को। तो भैया उस वाले केस में ये क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल करेंगे ही करेंगे, आपका जो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है एज पर रूल 86 से, उसे भी ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर इस बात को समझना कि करना तो इन्हें गलत आदमियों का है, लेकिन कई बार गलत आदमी के साथ साथ सही आदमी भी इसमें फंस सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड करेंगे,
दूसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं, आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं कि भाई जो तुमने अपनी GSTR 1 में सप्लाई दिखाई होगी, जो सप्लाई तुमने अपनी GSTR 1 में दिखाई होगी, तो उस रिसीवर को, आपके रिसीपेंट को परेशान कर सकते हैं कि भैया इस बात को समझो कि तुमने जिससे सप्लाई ली है वो हमें नहीं मिला, तो हम तो हम तुम्हारा भी ITC तुम्हें नहीं देंगे। तो ये दो तीन चीजें वो कर सकते हैं। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, आपका बिजनेस हो रहा है, वो सारे के सारा डेटा अपनी प्रीमिसेस में रखना है और ये मानकर चलना है कि ये आपके पास एज पर लो तो नहीं आएंगे लेकिन आ सकते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी जो बुक्स के अंदर सेल है, परचेज है, वो जेन्युइन है, तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। क्या सर ये हमारे से डिमांड भी कर सकते हैं, रिकवरी भी कर सकते हैं? हाँ जी, अगर आपने, आप ये एक चीज और समझो, आपने माल परचेज करा था रामलाल से, आपने रामलाल से माल परचेज करा था, रामलाल के यहाँ पर ये गए और रामलाल मिला नहीं, तो आपको जो ITC आपने लिया है रामलाल से उसकी रिकवरी भी ये कर सकते हैं। तो अब इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको ITC के नोटिस कई सारे आ सकते हैं इस फेक ड्राइव के बाद, ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? अगर मेरी बात क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और इसके बाद जो इन्होंने ये दिया हुआ है, ये सारा डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए दिया हुआ है कि भाई जितने लोगों के पास आप गए, कितना GSTN का डेटा आप लोगों के पास आया था, तो इसका इन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है कि आप हमें ये बताओ कि भाई कितने लाख की तुमने रिकवरी करी, ठीक है ना, कितने लोगों का GSTN आया था, कितना आपने ITC ब्लॉक करा था। तो ये सारी डिटेल ऑफिसर्स को, अपने सीनियर्स ऑफिसर्स को सबमिट करनी होगी। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब क्या है कि पहले जो लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है कि सबकी दुकानों पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, उनके पास डेटा है उसके साथ जाएंगे। फिर दूसरा यह है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ITC ब्लॉक कर देंगे, हमारे रिसीवर को परेशान कर देंगे। आंसर इज करेक्ट, लेकिन कब, जब आपका सप्लायर गलत होगा तब। तो यहाँ पर एक अपनी परचेजिंग को देख लो, आप जिन लोगों से माल परचेज कर रहे हो उन्हें देख लो, वो चेक कर लो कि क्या वो सारे लोग जेन्युइन है या नहीं, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और हाँ, हमारा GST का अर्जुन बेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो GST के अर्जुन बैच को ले लो, ठीक है ना। अर्जुन बैच में हमने लगभग 150 घंटे का कोर्स कराया है, आप इसे अपने घर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। पूरे 150 घंटे का कोर्स, आप पूरी रिकॉर्डिंग है, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।